नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के खगड़िया से एक अजब गजब मामला सामने आया है। हुआ कुछ यूं कि बैंक की एक गलती की वजह से एक शख्स के बैंक अकाउंट में 5.5 लाख रुपए की रकम जो है वो डिपॉजिट कर दी गई थी। शख्स ने समझा कि नरेंद्र मोदी ने ये पैसे उसे भिजवाए हैं और उसने सारे उड़ा दिए। जब पैसे लौटाने को कहा गया तब शख्स का ये कहना था कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये पैसे भेजे गए थे, इसलिए वो उन्हें लौटाने नहीं वाला है। और शख्स के पैसे ना लौटाने की वजह से अब उसे एक बड़ी सज़ा काटनी पड़ रही है। सज़ा क्या है, पूरी खबर क्या हुई, बैंक की तरफ से क्या लापरवाही की गई थी, अब आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार के खगड़िया में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक बैंक उपभोक्ता के खाते में 5.5 लाख रुपए आ गए। उसे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रुपए उसके खाते में भेजे हैं, लिहाजा उसने पूरे पैसे खर्च कर दिए। बाद में मामला कुछ और ही निकल कर सामने आया। यहाँ के एक बैंक उपभोक्ता के खाते में अचानक से 5.5 लाख रुपए आ गए। बैंक उपभोक्ता को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके खाते में ये रकम जो है डाली। उसका कहना था कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि सभी के खाते में रुपए भेजे जाएंगे, इसी क्रम में उन्हें भी ये रकम आई होगी। यही सोचकर वो काफी खुश हो गए और उन्होंने रुपए निकाल कर खर्च भी कर दिया। लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला, जिसके लिए अब उन्हें जेल भेजने की कवायद की जा रही है। जानकारी के अनुसार बैंक ने भूल से रंजीत दास के खाते में 5.5 लाख रुपए भेज दिए थे। बैंक को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो खाताधारी से 5.5 लाख वापस करने को कहा गया, मगर खाताधारी ने इस खुशी में सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ये 5.5 लाख रुपए की जो रकम है वो भेजी, अब वे वापस नहीं करने वाले हैं। बैंक द्वारा कई बार वापसी को लेकर नोटिस भी जारी किया गया, बावजूद इसके जब राशि वापस नहीं की गई तो बैंक द्वारा केस दर्ज कराया गया। इसके बाद मानसी पुलिस द्वारा रंजीत दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह समीप के बख्तियारपुर गांव का रहने वाला है। मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि ग्रामीण बैंक द्वारा केस दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार रंजीत को जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ग्रामीण बैंक मानसी शाखा के बैंक अधिकारियों का कहना है कि गलती से रंजीत के खाते में ये रुपए जो है वो चले गए थे। बाद में मिलान होने पर ये बात की जानकारी सामने निकल कर आई। इसके बाद से लगातार रंजीत को रुपए वापस देने को कहा जा रहा था, लेकिन रंजीत का लगातार यही कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वो पैसे भिजवाए हैं। रंजीत को लग रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ये वादे करते हैं कि सभी के बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उसी क्रम में ये पैसे उनके बैंक अकाउंट तक भी आ पहुंचे हैं और उसी खुशी में उन्होंने सारे पैसे तुरंत ही खर्च कर दिए थे, इसलिए बैंक को लौटाने के लिए उनके पास एक रुपया भी नहीं था। बैंक की तरफ से कई बार उन्हें नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन जब रंजीत ने पैसे ना देने की बात साफ कर दिया कि वो पैसे किसी भी कीमत पर लौटाने नहीं वाले हैं, तब बैंक की तरफ से उन पर केस कर दिया गया और फिलहाल उन्हें जेल भेजने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही। अब पुलिस जो है इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है, मामले को और खंगाल रही है और रंजीत को जेल भेजने की जो प्रक्रिया है उसे अंतिम चरण में पहुंचाया जा रहा है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सीरीज के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सीरीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।